सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद निवारण में दोहरे मापदंड, दावा दोगुनी आमदनी का, वादा आमदनी आधा करने का, दुश्मन राष्ट्रों का दाना आयातित करती सर्जिकल स्ट्राइक, स्वदेशी दाना एनडीपीएस एक्ट में, दुश्मन राष्ट्रों का आयातित दाना एनडीपीएस एक्ट से बाहर, मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अफीम उत्पादक किसानों की आमदनी को प्रभावित करता है एनडीपीएस एक्ट, भारत के मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों की आबादी देश की आबादी का 50% है, देश के 50% किसानों का प्रतिनिधित्व करते 3 राज्यों के किसान भारत सरकार की दुश्मन राष्ट्रों पर की जा रही सर्जिकल स्ट्राइक का उपहास उड़ा रही है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है तथा वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव तय हैं। वर्ष 2018 के बजट में केंद्र सरकार किसानों की दोगुनी आमदनी बढ़ाने के प्रयासों में 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिए जाने का दावा ठोक रही है। 3 राज्यों के अफीम उत्पादक किसानों को पोस्ता दाना पर ना तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारें समर्थन मूल्य तय करती हैं। जब दाने पर समर्थन मूल्य ही नहीं है तो केंद्र सरकार का दावा स्वतः झूठा हो रहा है। केंद्र सरकार ने जहां स्वदेशी पोस्ता दाने को एनडीपीएस एक्ट में, वहीं विदेशी दुश्मन राष्ट्रों से आयातित दाने को एनडीपीएस एक्ट से बाहर कर रखा है। पोस्ता छिनाई 3 राज्यों में प्रतिबंधित है। स्वदेशी मांग ने किसानों की आमदनी को लगभग 2 गुना स्वतः कर रखा है। भारत सरकार के केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने किसानों की आमदनी को आधा करने के लिए दुश्मन राष्ट्रों के सहयोगी राष्ट्रों से पोस्ता दाना आयात करने की हरी झंडी दे दी है। क्या दुश्मन का दोस्त दुश्मन नहीं होता है? भारत सरकार टर्की एवं चाइना से पोस्ता आयात कर सर्जिकल स्ट्राइक प्रक्रिया संचालित कर देश के किसानों से धोखाधड़ी नहीं कर रही है, आतंकवाद निवारण में दोहरे मापदंड भी लागू कर रही है। अब यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान को मिला सऊदी अरब, चीन और तुर्की का साथ, जबकि तुर्की और चाइना हमारा दुश्मन राष्ट्र हो चुका है और पाकिस्तान का दोस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने तुर्की से पोस्ता दाना आयात प्रकरण के बेंगलोर हाईकोर्ट ने शासकीय प्रक्रिया को बताया उचित, आयात का मार्ग प्रशस्त और तुर्की का पोस्ता अप्रैल में आएगा। और ये देखिए, भारत सरकार दुश्मन राष्ट्रों से ही पोस्ता दाना आयात कर रही है और किसानों का शोषण कर प्रहार कर रही है।